नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने देशव्यापी हड़ताल की। टावर चौक से प्रदर्शन कर निकाली रैली। सार्वजनिक बैंक द्वारा पूर्ण लाभ दिए जाने के बाद भी इनका निजीकरण किया जाना समझ से परे है। यह कहना है निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे सरकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों का। निजीकरण का जबरदस्त विरोध करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने स्थानीय टावर चौक पर प्रदर्शन कर एक भव्य रैली निकाली। अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता यूएस छाबड़ा ने बताया, आज पूरे देश के 10 लाख अधिकारी कर्मचारी सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में आज हड़ताल पर जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी लगभग 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सरकार की नीतियां निजीकरण को लेकर जो चल रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण के उपरांत सार्वजनिक बैंकों ने जो भी विकास किया है, आर्थिक देश के आर्थिक विकास में जबरदस्त अपना योगदान दिया है और आज भी सारी बैंक के लाभप्रदता की स्थिति में 3,58,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंकों ने दिया है। उसके उपरांत भी सरकार निजीकरण क्यों करना चाहती है, हम इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम देख रहे हैं कि गत वर्षों में बैंकों ने, सार्वजनिक बैंकों ने सरकार की सार्वजनिक योजना, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। जनधन के खाते 90% खाते जनधन के अपने सरकारी बैंकों ने खोले। उसके अलावा रोजगार सृजन में भी सरकारी बैंक अपना सहयोग प्रदान कर रही है। दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ। इस तरह हम देख रहे हैं कि जबकि प्राइवेट बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास नहीं, आज 1,50,000 करोड़ का डिपॉजिट सार्वजनिक बैंकों में, सरकार इसको पूंजीपति के हाथ में क्यों सौंपना चाहती है, एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके लिए आज पूरे देश में हमारे अधिकारियों में बहुत आक्रोश से विरोध है और हम सार्वजनिक क्षेत्र को रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। लगभग 10 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी पूरे देश में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और स्थानीय स्तर पर भी लगभग 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लगभग उज्जैन के स्तर में कह सकता हूँ कि 100 करोड़ की बैंकिंग का, 100 से 150 करोड़ का इसमें नुकसान हो सकता है कि जो बैंकिंग सेवाएं जो रोज दी जाती है उसमें 150 करोड़ का बिजनेस प्रभावित हो सकता है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने उज्जैन आगमन पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पत्रकारों के समक्ष कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बुधवार की शाम 6 बजे उज्जैन पहुँचे। गुरुवार को सूर्य नारायण संकुल हॉल हरसिद्धि मंदिर पर उन्होंने विद्वत गोष्ठी को संबोधित किया। पत्रकारों के समक्ष उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। मोदी जी की नीति को उन्होंने नमन मिलन दमन की नीति बताया। मोदी जी की 3 विशेषता है, नमन मिलन दमन, इसमें माहिर हैं भुक्तभोगी मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी, उनसे पूछिए। वैसे देशभक्त हैं, घर भरने वाले नहीं हैं, बुलंद हैं, डरपोक नहीं हैं। मोदी जी में बहुत से गुण हैं, सबको मुदमंगल करने वाले हैं। बढ़िया धर्म की कहानी अलग है। राजधर्म का नाम राजनीति है, छात्र धर्म का नाम राजनीति है, दंड नीति का नाम राजनीति है, अर्थनीति का नाम राजनीति है। उन्होंने कहा कि लोकमत को अनुकूल करके ही शासन कोई कदम उठाता है। मैं एक संकेत करता हूँ, लोकमत को पहले अनुकूल करके ही कोई राजनीतिक दल अगर विचारशील है तो कदम उठाता है। लोकमत को अपने अनुकूल करके ही फिर लोकमत को वो सरकार के विरोध में करना बहुत कठिन होता है। स्वामी जी ने कहा कि शासन केवल वर्तमान को देखकर निर्णय लेता है जिसके परिणाम भविष्य में आते हैं। शासन तंत्र अभी जो भी कदम उठाता है केवल वर्तमान को देखकर, वर्तमान को देखकर जो कदम उठाया जाता है भविष्य में जाकर अंधकार के गड्ढे में फेंक देता है। तीनों काल पर ध्यान रख करके जो कदम उठाया जाता है ठोस होता है। नाम परिवर्तन के मुद्दे को उन्होंने सही ठहराते हुए कहा, हमारे तीर्थ स्थलों को विकृत नाम दिया गया, हमारा अधिकार है कि हम उनको यथावत सुसंस्कृत नाम दें,
इसमें क्या आपत्ति। उज्जैन पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। प्रदेश के पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर उज्जैन जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपते हुए धारा 49 को विलोपित करने, 14% महंगाई राहत देने व छठे तथा सातवें वेतनमान का एरियर अतिशीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। इस संबंध में अध्यक्ष अरविंद किशोर भटनागर ने बताया, मुख्य रूप से इसमें हमारी महंगाई राहत है, अभी 5% महंगाई राहत स्वीकृत की है पेंशनर्स के लिए, उसके लिए तो मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद के साथ में उनका आभार भी, और बाकी अभी भी 14% महंगाई राहत शेष है, वह प्राप्त होना है एक मुख्य मुद्दा ये है। दूसरा है कि छठवें वेतनमान में जो समय रिटायर हुए पेंशनर उनको 32 माह के बाद ये महंगाई राहत स्वीकृत की गई थी, उसका 32 माह का एरियर ड्यू है जिसके बारे में कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो गए हैं, 6% ब्याज के सहित देने के हैं, लेकिन वह भी अभी तक नहीं दी गई। इसी प्रकार सातवें वेतनमान में 27 माह बाद पेंशनर्स को सातवां वेतनमान लागू किया गया और जिस दिन से करा है 1 अप्रैल 2018 हाँ, तो 27 माह का उस समय का सातवें वेतनमान का एरियर शेष है, उसकी भी मांग लगातार की जा रही है। और इन मांगों के साथ साथ एक दो पुरानी लंबित मांगें चल रही हैं कि जब तक ये होता है हम सभी को एक स्वास्थ्य बीमा योजना भी है, स्वास्थ्य बीमा योजना जो पहले लागू की गई थी लेकिन कार्यरत नहीं हो पाई, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए और जब तक वो नहीं होती है तब तक 1,000 रुपया प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता सब पेंशनर्स को दिया। महाकाल मंदिर के नियमित दर्शनार्थियों ने दर्शन प्रतिबंध को लेकर प्रशासनिक कार्यालय के बाहर झांझ मंजीरे बजाए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अधिकारियों द्वारा नित नए प्रयोगों के नाम पर दर्शन व्यवस्था में खड़ी की जा रही बाधाओं के खिलाफ श्री महाकालेश्वर नियमित दर्शनार्थी भक्त परिवार के सदस्यों ने महाकाल मंदिर प्रशासक के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर झांझ मंजीरे बजाए। उन्होंने रघुपति राघव राजा राम प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान भजन गाया। श्री महाकालेश्वर नियमित दर्शनार्थी भक्त परिवार के अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि महाकाल को देश का पहला ऐसा मंदिर बना दिया गया है जहां नियमित श्रद्धालुओं पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये हमारा नित्य दर्शन परिवार है, इसमें इस परिवार में लगभग 35 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से परम्परागत रूप से भगवान श्री महाकालेश्वर के नित्य दर्शन करते हैं। प्रशासन धीरे धीरे यहाँ पर विकास कार्य के नाम पे उज्जैन के जो नित्य दर्शनार्थी परिवार है या हमारे स्थानीय लोग जो है उनको इस मंदिर व्यवस्था से दूर करते जा रहा है। वर्तमान में जो रोज़ हमारे को दर्शन हो रहे थे अब उसमें जो कल प्रशासक महोदय ने एक जो नया कॉर्डन निकाला है उसमें करीबन हमको करीब 15 मिनट का समय और ज़्यादा लगने वाला है और करीबन हमको 200 से लेकर 300 मीटर और ज़्यादा चलना है। कुल मिला के बात यह है कि 200-300 यहाँ पे डेली दर्शनार्थी है, प्रशासन के 500 कर्मचारी मिलके दर्शन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे और आप नित्य समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि प्रतिदिन यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर विवाद की स्थिति बनती है। जब इतना बड़ा स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है तो विवाद किस बात का होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्थानीय दर्शनार्थी डेली दर्शनार्थियों को यहाँ से मंदिर से दूर करना चाहते हैं। आज इन सब बात को लेकर के सुलभ दर्शन हो, शीघ्र दर्शन हो, तत्काल दर्शन हो उज्जैन वासियों के, इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर धरना दिया गया था। मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकर ने श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश की कि कलेक्टर के निर्देशानुसार ही काम किया जा रहा है।
इस पर महिला श्रद्धालु ने कहा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर से पूछ कर करेंगे, लेकिन हमें पता है ये आप ही के हाथ में है। 1500 की रसीद ठीक है, आप पैसे लेके जो भी आपको व्यवस्था करना है करिए, हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम नित्य डेली वाले लोग हैं उनके संग जो अन्याय कर रहे हैं तो ये हम नहीं सहित करेंगे। आप बिल्कुल आप कहीं भी कहिए, हम नहीं करेंगे, आपके मंदिर की व्यवस्था में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय होगा हम डेली वाले अब सहन नहीं करेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर अपने 5 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश में जनता को जागरूक करने और उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक राजनीतिक क्रांति का रूप ले चुकी है। इस राजनीतिक क्रांति के द्वारा देश के सभी राज्यों में 5 सूत्रीय कार्यक्रम, राजनीतिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, किसानों का सशक्तिकरण, व्यापार, वाणिज्य और कर नीति में सुधार एवं सशस्त्र बल के लिए बेहतर नीतियां लागू की जाएंगी। इसकी पहली आधारशिला बेरोजगारी मिटाओ अभियान के अंतर्गत 13 नवंबर 2021 को रख दी गई, जब माननीय प्रधानमंत्री के आवास के सामने उनका ही पुतला दहन करके सरकार को चेताया कि अपने वादे के अनुसार 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दो या कुर्सी छोड़ दो। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा ने बताया, मुख्य 5 मुद्दे हैं राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार में जैसे कि नेताओं की रिटायरमेंट एज तय होनी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज को भी एक सर्टेन एज पर रिटायर करते हैं तो नेताओं की भी एक रिटायरमेंट एज तय होनी चाहिए। नेताओं को मिलने वाली मल्टीपल पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए। ऐसे बहुत से नियम कानून हैं जो नेताओं के लिए अलग हैं और जनता के लिए अलग, वो सारे ख़त्म करने हैं। और महिला सशक्तिकरण है, 50% सीट जब हम चुनाव लड़ेंगे 2024 में तो 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, वो उनका अधिकार है, हक और अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय परिवार पार्टी मानती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी आधार पर सारे राजनीतिक समीकरण तय होने चाहिए। डिफेंस एकेडमी में अध्ययनरत 17 वर्षीय किशोर अचानक लापता हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाश आरंभ की। दिनांक 14/12/2021 मंगलवार को शाम 6 बजे के बाद से उज्जैन की अवंतिका डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई करने वाला गोलाखेड़ी राजगढ़ निवासी 17 वर्षीय आकाश ठाकुर पिता देवी सिंह ठाकुर अचानक लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नीलगंगा थाने में दिनांक 15/12/2021 बुधवार को दर्ज की गई। आकाश दयाराम कुकरेजा के प्रकाश नगर स्थित मकान में किराए से रहता था। मंगलवार शाम 6 बजे के बाद से आकाश से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों तथा रिश्तेदारों से संपर्क के बाद पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। आकाश के विषय में कोई भी जानकारी होने पर मोबाइल नंबर 77249460008 या नीलगंगा थाने में संपर्क करें। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।